हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो जल्दी से लाइव आ जाइए। हम लोग आज करंट अफेयर क्विज देखने वाले हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाएं। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हम लोग यहाँ पर, जो कि आपको हर दिन मिलेगा यहाँ पर 7:30 बजे शाम को। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लगभग यहाँ पे 100 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हूँ दीपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी चैनल पर। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। पूरा करंट अफेयर क्विज मैं यहाँ पे कराऊंगा। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिस भी चीज में आप जॉब करना चाहते हो, चाहे वो आपका यहाँ पर क्यों ना हो, इंडियन आर्मी हो या फिर SSC GD हो, एयरफोर्स हो या फिर यहाँ पर नेवी हो, ये सारे जो सेक्टर है इसमें करंट अफेयर आपके पूछे जाते हैं। और सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे आपको मैं सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपके डाउट यहाँ पे सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी का यहाँ पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर आप अन अकेडमी में ज्वाइन करके इंडियन आर्मी हो, डिफेंस जॉब हो, बैंकिंग की जॉब हो, रेलवे हो या फिर SSC की जॉब हो, आप कोई सी भी जॉब की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे दोस्तों DRS10 करके जो प्रोमो कोड है, अगर आप वो लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक अलग से 10 यहाँ पे आपको जो 10% का जो बेनिफिट है यहाँ पे डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको DRS10 का जो प्रोमो कोड है वो जरूर लगाना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते समय। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दूंगा ताकि आप जो है यहाँ पे चेक कर सके कि आपको यहाँ पे आंसर आता है या फिर नहीं आता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द रोपैक्स फेरी सर्विस इन विच। तो यहां पे दोस्तों पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी ने अभी जो है हाल ही में उद्घाटन किया है प्रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोपैक्स फेरी का, तो ये किस शहर में या फिर किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर गुजरात। और गुजरात में जो है रोपैक्स फेरी सर्विस जो है यहाँ पे शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जो शुरू किया गया है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि रोपैक्स जो सर्विस है वो हाजिरा और घोघा के बीच में जो चलाई जाएगी, जो कि गुजरात के अंदर यहाँ पर आती है। और ये जो रोपैक्स फेरी सिस्टम जो यहाँ पे चलेगी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये गेटवे है जो कि साउथर्न गुजरात और साथ ही साथ यहाँ पे जो सौराष्ट्र रीजन है इन दोनों को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इस डिस्टेंस को भी यहाँ पर कम कर देगा, जो कि घोघा और यहाँ पे हाजरा के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको ये रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो गिर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
इसमें जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम होगा तो बहुत सारे लोग वहां पे जाना चाहेंगे क्योंकि कम समय लगेगा। तो यहाँ पे यह भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके के गुजरात के बारे में बात कर लूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पे टर्म निकल के आता है, जो भी कैपिटल हो या फिर स्टेट हो या फिर यहाँ पर जो नेशनल कह सकते हैं यहाँ पर जो कैपिटल है या फिर कंट्री है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानना जरूरी होता है डिटेल में। तो गुजरात के बारे में बात करेंगे। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। इसके अलावे यहाँ पे दोस्तों ये जो एरिया के मामले में अगर देखा जाए तो छठे रैंक पर यहाँ पर ये आता है। बात करते हैं यहाँ पे मेजर सिटी के बारे में, मेजर रिवर्स के बारे में, यानी कि कौन प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर साबरमती एक प्रमुख नदी है, इसके अलावे नर्मदा जो है यहाँ पर एक और प्रमुख नदी होती है, और तपती यानी कि तपी भी जो है यहाँ पर एक प्रमुख नदी यहाँ पर गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से जो है एनिमल या फिर स्टेट एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेट एनिमल यानी कि जो राजकीय पशु है यहाँ पर आपका स्टेट यहाँ पर जो एनिमल है वो है हमारा एशियाटिक लायन। इसके अलावा स्टेट बर्ड्स जो है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट फ्लावर की बात करूं तो ये मैरीगोल्ड है। इसके अलावा स्टेट ट्री की मैं बात करूं तो ये मैंगो यानी कि आम यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हेरिटेज वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट जो और यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है नेशनल पार्क। यहाँ पर जो गुजरात है यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क, और इसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपको गुजरात में मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डैम का क्वेश्चन होता है जिसको आप हर बार देखते हैं, चाहे कोई सा भी डिफेंस जॉब हो या फिर कोई सा भी जॉब हो, उसमें आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा उकई डैम जो है तपती रिवर पर है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो आप देख सकते हैं अलग जो यहाँ पे एक और डैम है, कदानन डैम जो है यहाँ पर एक और जो है माही रिवर पे बना हुआ है। इसके अलावा कर्जन रिजर्वर यानी कर्जन रिवर पर एक और डैम यहाँ पर बना हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैम भी पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड परिवर्तनम स्कीम फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, यानी कि परिवर्तनम स्कीम जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए फिशिंग कम्युनिटी का। ऑप्शन यहाँ पर है केरला, इसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर केरल। केरल जो है उसने जो है अपना यहाँ पर कह सकते हैं उसकी जो गवर्नमेंट है वहां की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है पायोनियरिंग इको सस्टेनेबल प्रोग्राम जो कि परिवर्तनम नाम से शामिल है यहाँ पर, और ये जो है फिशिंग कम्युनिटी की लाइवलीहुड को जो है इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। परिवर्तनम का मतलब जो होता है वो होता है चेंज यानी कि बदलाव, और इसके यहाँ पर जो है ये जो परिवर्तनम है वो पूरा का पूरा हेड किया जाने वाला है केरला स्टेट कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि KSCADC के द्वारा ये जो है यहाँ पर हेड किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो मेन एम यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है यहाँ पर इम्प्रूव करना लाइवलीहुड स्किल्स किसका, तो जो यंगस्टर है जो कि कोस्टल लाइंस पर रहते हैं उनका। इसके अलावा जो फिशर मैन कम्युनिटी है उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है या फिर सोशियो इकोनॉमिक है उसको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर इसका यहाँ पर लाया गया है इस स्कीम को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको आपको जानना जरूरी है केरला के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं केरला के लिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज आए हुए हैं आपके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो न्यूज आया हुआ है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है केरला जो स्टेट है इसने जो है पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो है क्लिनिक जो है ये बहुत ही जल्द खोलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो केरल के जो सीएम है उन्होंने जो है फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वीरोलॉजी का जो है यहाँ पर ऑपरेशन को उद्घाटन कर दिया है जो कि लाइफ साइंस पार्क में होने वाला है या फिर उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे केरला हाईकोर्ट के
जो जिनका नाम के उषा था वो जो है उनका निधन यहाँ पर हो चुका है, पास अवे कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है केरला जो है जल्दी सेटअप करने वाला है इंडियाज फर्स्ट यानी कि भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, जो कि वो करेगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में मिलकर के। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो जो है लॉन्च कर दी है फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस, यानी कि पहला मरीन एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर जो है केरल गवर्नमेंट जो है इसे लॉन्च कर चुकी है, जिसका नाम है प्रतीक्षा। तो ये भी आपके एग्जाम से बहुत ही एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट्स, यहाँ पे जो है केरला इसकी जो कह सकते हैं ये कब जो है फॉर्म हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में ये फॉर्म हुआ था। केरला की जो यहाँ पे कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर आपको ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो टोटल 14 है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम जो है वो है यहाँ पे जो कह सकते हैं जो सीएम है पिनाराई विजयन, वो भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है छोटे छोटे एग्जामिनेशन में। इसके अलावा यहाँ पे जो एमएलए की सीट्स है वो टोटल 144 है, और लोकसभा की सीट जो है वो टोटल 20 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 9 है। और इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर या फिर नन ऑफ द एवब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को हर साल नेशनल लीगल सर्विस डे यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर जो है लीगल या फिर कह सकते हैं कानून की जो अवेयरनेस है कानून का, उसको यहाँ पर जो है बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, ये भी बोल सकते हैं। बात करते हैं नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हो चुके हैं, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। पहला नवंबर यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट डे था 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड दी इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये भी जो है 2 नवंबर को मनाया गया था, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सबको याद रखना जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा, डिफेंस में तो स्पेशली आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 नवंबर को जो है वर्ल्ड सुनामी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं 7 नवंबर को जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है यहाँ पर होता है। 9 नवंबर को हमने बता दिया कि यहाँ पर जो है लीगल सर्विस डे जो है मनाया जाता है। इसके अलावा जो 10 नवंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पे 14 नवंबर है जिसमें चिल्ड्रन डे आप सभी को पता है, 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को एक और डे होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलीगल ट्रैफिकिंग एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट डे में आता है, आपको इस सबको याद रखने के चलना होगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये जो करंट अफेयर मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं। In November 2020, India has signed 14 agreement with which of the following nation, including cooperation in areas including energy, green energy, shipbuilding and media sector. तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो 2020 नवंबर में जो है इंडिया ने 14 यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग और मीडिया सेक्टर में किसके साथ जो है, किस देश के साथ ये समझौता या फिर एग्रीमेंट साइन किया गया है। ऑप्शन है चाइना, इटली, रसिया और यूएसए। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों इटली। अभी जो है इंडिया ने इटली के साथ मिल करके यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 15 एग्रीमेंट्स है इसे जो है अभी लगभग 14 से 15 एग्रीमेंट जो यहाँ पे साइन किया गया है, जो कि वर्चुअल बिलेटरल सबमिट हुआ था हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा, और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। इन दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ है, और ये एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ कॉपरेशन करने के लिए है या फिर कॉपरेशन करने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर जो है शिप बिल्डिंग और मीडिया सेक्टर के लिए बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यूरोप की जो स्टैटिक है उसको आपको जाना जरूरी है। यूरोप की जो यहाँ पर कह सकते इटली जो है एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो जो यहाँ पर जो है वो रोम है।
इसके अलावा यहाँ पर रोम है, और इसके अलावा यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है ग्यूस्पे कोंटे जो है यहाँ पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। रिसेंटली द 20th फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को 20वां फाउंडेशन डे जो है किस राज्य ने मनाया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपना 20वां जो स्थापना दिवस 9 तारीख यानी कि 9 नवंबर को कंप्लीट किया है। और बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड से, तो यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो देहरादून है। इसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 9 नवंबर 2020 को हुआ था। और यहाँ पर बात करते हैं रैंक एरिया की, यहाँ पर एरिया की रैंक की, तो ये 19th नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से पूरे भारत में। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो है 71 है टोटल, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस की जो सीटें हैं वो 5 है, और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा की सीटें जो है यहाँ पे टोटल 3 है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो गंगोत्री टेम्पल जो है यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है, और इसके अलावा केदारनाथ जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा, ये भी यहाँ की एक फेमस टेम्पल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रमुख बांध जो है यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे राम गंगा डैम है, यहाँ पर डैम जो है यहाँ पर बताया गया है, तो राम गंगा डैम है। इसके अलावा जाम रानी डैम यहाँ पर है, इसके अलावा टेहरी डैम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो है भागीरथी नदी पे बना हुआ है, आपको इसको भी याद रख के चलना होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 614 करोड़ इंक्लूडिंग द लाइट एंड साउंड शो एट सारनाथ इन विच सिटी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उद्घाटन किया है और फाउंडेशन स्टोन जो है रखा है 614 करोड़ का, जिसमें जो कि सारनाथ में रखा गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, लाइट एंड साउंड शो के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है, और भी कुछ कुछ चीजों के लिए दिया गया है। तो ये कौन से शहर में हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गांधीनगर, इसके अलावा पटना, कोलकाता, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से यहाँ पे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो चुनाव लड़े थे, उनका जो यहाँ पे कह सकते हैं वहां से जीते हैं, उनका वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पर जो है वाराणसी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो पैसा यहाँ पर इतना जो खर्च हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनॉग्रेशन हुआ है वो जो है यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, और यहाँ पर जो कह सकते हैं जो लाइटिंग वगैरह है उनके लिए यहाँ पर किया गया, लाइव डिस्प्ले है, लाइव डिस्प्ले पर प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पर बिग स्क्रीन लगाए जाएंगे, इसके अलावा सिटीज में जो बिग स्क्रीन है वो लगाए जाएंगे, 5 LED मोबाइल वैन यहाँ पे जो है ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का जो मेन प्रोजेक्ट होगा इसमें वो होगा दोस्तों लाइट एंड साउंड से रिलेटेड, जो कि सारनाथ में होगा, और साथ ही साथ 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज जो है यहाँ पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट में जो है खर्च किया जाएगा। 614 करोड़ है यहाँ पे, इसमें सब शामिल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सारनाथ की, जो कि आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है सारनाथ जो है वो एक प्लेस है जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, जो कि 10 किलोमीटर अवे है नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी सिटी। और इसके अलावा ये जो है कह सकते हैं यहाँ पर डियर पार्क भी जो है यहाँ पर जो सारनाथ है वहां पर है। गौतम बुद्ध ने अपनी जो पहला कह सकते हैं जो शिक्षा दी थी, या फिर कह सकते हैं जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सब चीजों को भी आपको देख के चलना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट न्यूज है पूरी। Which state government has recently announced a campaign against adulterant? यानी कि दोस्तों किस राज्य सरकार ने adulterant यानी कि मिलावट खोरी पे जो रोकथाम लगाने के लिए कैंपेन जो है शुरू करने जा रही है या फिर कर दी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन सही उत्तर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एडल्टरेशन यानी कि मिलावट खोरी के खिलाफ जो है
उन्होंने जो है एक नया कदम उठाया है, कैंपेन चलाया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंटल ऐप जो है स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो संकल्प स्कीम चल रहा है जो कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं, उनको यहाँ पर जो है सहायता प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो यहाँ का जो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये जो है वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर यहाँ पर आता है। इसके अलावा रोजगार सेतु स्कीम जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्किल्ड वर्कर के लिए। और यहाँ पे एक और स्कीम लॉन्च की गई है, जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जो वुमेन होती है उनके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें वो मास्क बना के ₹11 पर मास्क जो है वो बेच सकती है गवर्नमेंट को। तो उन्हें जो है पर मास्क यहाँ पे कह सकते हैं कि ₹11 दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्टैटिक के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है भोपाल। इसके अलावा जो फॉर्मेशन हुआ था इसका वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। रैंक के हिसाब से बात करें तो दूसरा जो एरिया है उसके हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा जो नंबर पे आता है क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे एरिया के हिसाब से जो है मध्य प्रदेश आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटें देखी जाए तो लगभग 231 यहाँ पे सीटें हैं। और यहाँ पे दोस्तों लोअर हाउस यानी कि लोकसभा जो है यहाँ पे 29 सीट्स जो है यहाँ पे कवर करती है। अपर हाउस यानी कि यहाँ पे राज्यसभा में 11 सीट्स जो है टोटल कवर हो जाती है। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेंपल की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेंपल जो है यहाँ पे दोस्तों सांची स्तूप है। इसके अलावा खुजराहो टेंपल जो है यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर टेंपल में गिनती आती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, विच स्टेट्स तेजपुर लीची हैज रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली, यानी कि तेजपुर लीची को जो है जीआई टैग बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही जल्द मिला है या फिर अभी हाल फिलहाल में मिला है, तो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा असम। असम जो है यहाँ पर जो है तेजपुर लीची जो है असम की, उसे जीआई टैग यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पे बात करते हैं असम की कुछ इंपॉर्टेंट जीके के बारे में, स्टैटिक के बारे में, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है दिसपुर असम की। इसके अलावा फॉर्मेशन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और एरिया के हिसाब से बात करें रैंक की तो यहाँ पे 17 नंबर पे ये आ जाता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की, तो 126 सीट्स जो है यहाँ पे शामिल है। लोअर हाउस लोकसभा में 14 सीट शामिल है, अपर हाउस राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ पे शामिल हो जाती है। यहाँ की जो कह सकते हैं असम की जो यहाँ पर स्टेट एनिमल है यानी कि राज्य की है, यहाँ पर जो पशु है वो है 1 हॉर्ड राइनोसोरस। इसके अलावा स्टेट बर्ड जो है वो व्हाइट विंग्ड वुड डक है। इसके अलावा स्टेट फ्लावर जो है कोपो फूल यानी कि फॉक्स टेल ऑर्किड यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट ट्री की मैं बात करूँ तो होलोंग जो है यहाँ पे स्टेट ट्री यहाँ पर असम की है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है टाइगर रिजर्व, जिसपे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है। पाकेट टाइगर रिजर्व जो है असम में है। इसके अलावा औरंग जो हो गया यहाँ पे टाइगर रिजर्व, ये भी जो है असम में है। काजीरंगा, मानस और यहाँ पर जो है नामरी जो है यहाँ पर, ये भी जो टाइगर रिजर्व है ये भी असम के अंदर शामिल है। बात करूं दोस्तों यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है अगला इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में यहाँ पर कह सकते हैं रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द चेंज ऑफ नेम ऑफ शिपिंग मिनिस्टर टू, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अनाउंस कर दिया है कि शिपिंग मिनिस्टर का जो मिनिस्टर है उनका नाम अब चेंज हो जाएगा। पहले भी उन्होंने जो है एचआरडी जो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उनका भी नाम चेंज किया था। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसका नाम नया क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज यहाँ पे ऑप्शन में है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर बॉडीज। तो इसका सही उत्तर या फिर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है अब इसका नाम नहीं रहेगा, इसे बदल दिया गया है, तो आपको इसको यहाँ पर समझ के चलना होगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ये जो यहाँ पर इस ये जो मिनिस्ट्री है इस किसके अंडर में आती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मनसुख मंडविया जो है ये जो है शिपिंग मिनिस्टर है अभी। इसके अलावा ये राज्यसभा मेंबर भी है और इनके अंडर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है इनके अंदर आ जाता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहां पे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च फ्री वाईफाई सर्विस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि हाल ही में यहाँ पर कह सकते हैं किस राज्य के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ने फ्री वाईफाई सर्विस जो है लॉन्च किया है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने फ्री वाईफाई सर्विस देने का ऐलान कर दिया है गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे आपको जाना जरूरी है कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है, और यहाँ पर जो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इन सब पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी करंट की न्यूज है तो इस पे भी आपको जानना जरूरी है, यूपीआई से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, चाहे अमेजोन पे हो यहाँ पर या फिर फोन पे हो, गूगल पे हो, बहुत सारे जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज इम्पोज द कैप ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसीड इन यूपीआई ऑन द ऑल थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि एनपीसीआई ने जो है एक कैप लिमिट लगा दिया है, टोटल जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी यूपीआई से जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है उन पर। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी ऐप है उन पर जो है इम्पोज किया गया है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पे ऑप्शन बनते हैं 40%, 50%, 60% या फिर 30%। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30% का टोटल जो है कैप यहाँ पर लगाया गया है, और ये जो 30% का कैप है यानी कि जो भी पेमेंट होती है यहाँ पर यूपीआई के थ्रू थर्ड पार्टी ऐप से, उसमें अब वो 30% की ही जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है वही कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। एनपीसीआई का 30% यहाँ पे दिया हुआ है और ये थर्ड पार्टी ऐप पर लगाया गया है। थर्ड पार्टी में कौन कौन सा आ जाता है, तो अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, सैमसंग हो गया, या फिर और भी जितने भी फोन पे वगैरह, ये सब थर्ड पार्टी में आते हैं। टोटल 21 यानी 21 थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर अभी भी है, आपको पता होना चाहिए ये भी बात। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पे जो लिमिटेशन लगाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एनपीसीआई है वो जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर, और ये एक इनिशिएटिव है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया है। वही मैं बात करूं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये भी अभी करंट का ही न्यूज है, तो इसको भी जानना आपके लिए जरूरी बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे सुदर्शन रतन वाज ऑफ फेमस, यानी कि जो सुदर्शन रतन है उनका जो हाल ही में निधन हो गया, और ये जो है एक फेमस क्या थे, ऑथर, सिंगर, फिल्म मेकर और एक्टर। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फिल्म मेकर। ये एक फिल्म मेकर थे सुदर्शन रतन, और ये जो है अपनी फिल्म के लिए जाने जाते थे, जो 1986 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी मानव हत्या, जिसमें जो मेन हीरो थे या फिर हीरोइन थी, जो एक्टर एक्ट्रेस थी वो थी माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन। तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और काफी ज्यादा फेमस थे उस फिल्म से रिलेटेड। तो उनका जो है निधन हो गया है, और ये जो निधन हुआ है सुदर्शन रतन का वो जो है COVID-19 के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण हुआ है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वोन द टॉप प्राइज एट द थर्ड एडिशन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म जो है वो अभी जो है वो जीता है प्राइज, टॉप प्राइज थर्ड एडिशन में इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का। यहाँ पे ऑप्शन है शकुंतला देवी, SOS कोलकाता, गुंजन सक्सेना, इसके अलावा नटखट। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट फिल्म जो है यहाँ पर एक बनी थी जिसका नाम था नटखट, और नटखट को यहाँ पे जो है नॉमिनेट कर लिया गया है, यहाँ पे उन्होंने जो है प्राइज वगैरह जीत लिया है।
और दोस्तों नटखट जो है वो एक शॉर्ट फिल्म थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नटखट जो है यहाँ पर जो इसकी हीरोइन या फिर एक्ट्रेस थी वो थी विद्या बालन, और को प्रोड्यूस भी किया गया था विद्या बालन के द्वारा, और इनकी ही फिल्म थी यहाँ पर, और ये शॉर्ट फिल्म थी, तो इन्हें जो है टॉप प्राइज मिला है, और टॉप प्राइज मिलने के कारण जो है अब ये 2021 ऑस्कर क्वालिफिकेशन ऑस्कर के लिए जो है क्वालिफिकेशन इन्हें मिल चुका है, यानी कि अब ये जो फिल्म है 2021 ऑस्कर में चली जाएगी वहां पर नॉमिनेट होने के लिए, या फिर जो भी होगा वहां पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कुछ इस टाइप का है कि रिसेंटली 22 रिसर्चर्स फ्रॉम विच आईआईटी ऑफ इंडिया गॉट अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रिपेयर्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों हाल ही में जो है 22 रिसर्चर है जो आईआईटी के हैं भारत के, उनको जो है टॉप साइंटिस्ट जो है उनमें नॉमिनेट किया गया है या फिर उनमें लिया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 22 जो है रिसर्चर्स को लिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी के जो कह सकते हैं जो रिसर्चर्स है 22 यहाँ पे, उन सबको यहाँ पर जो है ले लिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू किल ऑल मिंक्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ म्यूटेटेड कोरोना वायरस टू ह्यूमन। तो दोस्तों एक कंट्री है जिसमें जो ह्यूमन में कोरोना वायरस जो है वो एक जानवर छोटा सा जो मिंक है उससे जो है वो फैल रहा है, जिसके कारण वहां की जो सरकार है या फिर वहां के जो कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फैसला लिया कि ऑल मिंक्स यानी जितने भी मिंक्स होते हैं उन सारे मिंक्स को मार दिया जाएगा, ताकि वो जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं उसे रोकथाम कर दिया जाए। तो ये कौन सी कंट्री है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा यूएसए और डेनमार्क। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की जो कह सकते हैं यहाँ पर जो मिंग्स है इनको मारने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिंक जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, इसके अलावा सेमी एक्वेटिक होते हैं और कार्निवोरस मैमल है ये, और इनके दो जो है प्रजाति पाई जाती है, दो टाइप के जो स्पाइसेस होते हैं मिंक्स के, जो कि अमेरिकन मिंक्स होते हैं और इसके अलावा यूरोपियन मिंक्स भी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिंक्स है यहाँ पर जो डेनमार्क है यहाँ पर जो है 1000 मिंक के फार्म है, यानी कि वहां पर मिंक के जो फार्म है उसमें टोटल 1000 फार्म है वहां पर, और यहाँ पर जो है 40% जो है जितने भी वर्ल्ड कह सकते हैं 40% जो है वर्ल्ड का जो जितना भी मिंक प्लेट्स है वो जो है यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया है कि अब सबको यहाँ पर जो है खत्म कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर डेनमार्क के बारे में आपको ये बात जानना जरूरी है क्योंकि ये न्यू चर्चा में, तो डेनमार्क का क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि डेनमार्क जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस चीज का करता है। तो यहाँ पर दोस्तों डेनमार्क जो है वो फर की जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे प्रोडक्शन है वो करती है, और ये जो है उसका जो मेजोरिटी जो है वो एक्सपोर्ट कर देती है यानी कि बेच देती है वो चाइना और हांगकांग को। तो ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर डेन की, तो डेनमार्क की, तो डेनमार्क जो है यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है कोपेनहेगन यहाँ पर जो है इसकी कह सकते हैं कैपिटल है, और करेंसी की बात करूं तो डेनिश कोरेन जो है यहाँ पर इसकी यहाँ पर करेंसी है। अगला जो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है हमारे सामने, वो है दोस्तों विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड 2019। यानी कि दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड 2019 जो है उसका डिक्लेरेशन हो गया है, उसमें किस राज्य को जो है यहाँ पर कह सकते हैं बेस्ट अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तमिलनाडु ने यहाँ पे बाजी मार ली है, नेशनल वाटर अवार्ड 2019 जो है तमिलनाडु को यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर अभी जो करंट में न्यूज चल रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किया जाने वाला है। इसके अलावा आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बोला गया है कि यहाँ की जो मार्केट जो है
वो अभी डेप्थ में चल रही है टॉप में, यहाँ पे टॉप में, यानी कि मार्केट इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, यानी कि डेप्थ के कह सकते हैं डेप्थ के टर्म में ये टॉप मार्केट में चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोविड सस्पेक्ट वार्ड जो यहाँ पे स्टार्ट किया जाने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये जो कह सकते हैं तमिलनाडु है वो टॉप स्टेट बन गया है फिश प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि अब जो है ये टॉप पर चला गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो स्टेट है वो फिश प्रोडक्शन में जो है टॉप पर है, तो आप तमिलनाडु बता सकते हैं। अगला यहाँ पे जो यहाँ पे कह सकते हैं कुछ स्टैटिक्स जान लेते हैं हम लोग तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु की राजधानी कैपिटल चेन्नई है, फॉर्मेशन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था और एरिया के रैंक के हिसाब से बात करें तो 11th नंबर पे एरिया के रैंक में ये आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा सीट की, तो 235 सीट्स यहाँ पर मिल जाते हैं और लोकसभा लोअर जो हाउस है उसकी यहाँ पे 39 सीट्स है और इसके अलावा अपर हाउस राज्यसभा की यहाँ पे 18 यानी कि 18 सीट्स यहाँ पर शामिल है। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल की, तो टेंपल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेंपल है रमानाथ स्वामी टेंपल जो है जो कि रामेश्वरम में है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन थे। थाई पोंगल यहाँ की जो है एक फेस्टिवल है, जलीकट्टू भी यहाँ की एक फेस्टिवल है जो कि स्पेशल फेस्टिवल या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में आ जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम यहाँ की डांस है, कोलट्टम यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर डांस जो है यहाँ का फोक डांस या फिर रीजनल डांस बोल सकते हैं। बात करते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इशूड वार्निंग अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ माइग्रेटरी एमूर फाल्कन। दोस्तों एमूर फाल्कन जो है एक माइग्रेटरी बर्ड है और इसकी हंटिंग को रोकने के लिए जो है किस राज्य सरकार ने जो है वार्निंग जारी किया गया है या फिर जारी किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है त्रिपुरा, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसला लिया है जिसमें एमूर फाल्कन जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है इसकी जो हंटिंग है उसको रोकने के लिए किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो लोग इसकी हंटिंग करते हैं या फिर इसको जो ट्रैप करते हैं, किल करते हैं इसको, तो उसे जो है 3 साल की इंप्रिजमेंट यानी कि जेल हो सकती है और हाई क्वालिटी ऑफ 25,000 यानी कि यहाँ पे 25,000 का उन्हें जो है जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है। तो इसको यहाँ पर जो है यहाँ पर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, यहाँ पर वार्निंग दिया है सभी को। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। Who has recently written a novel called Rashathi, the other side of a transgender? तो बोला जाता है दोस्तों कि यहाँ पे Rashathi जो the other side of transgender है ये एक novel है जो कि written या फिर write किया गया है अभी हाल फिलहाल में, इसे किसने लिखा है? तो इसका जो कह सकते हैं दोस्तों इसका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो रसिंद्रन यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि अभी हाल ही की घटना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर एल्टन चिमगुनबुरा जो है हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर एल्टन जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वो किस राज्य से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये जो कौन कौन से कंट्री यहाँ पे शामिल है ऑप्शन में वो आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के जो है एल्टन है उन्होंने अपनी जो संन्यास की घोषणा कर दी है, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो है ये किस देश के खिलाड़ी थे, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, ये भी आपके लिए जो है करंट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ भारतीय एक्सा, यानी कि भारतीय एक्सा के साथ किस पेमेंट बैंक ने जो है वो अभी पार्टनरशिप यानी साझेदारी की है? पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर जियो पेमेंट बैंक। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने जो है अभी भारतीय एक्सा के साथ जो है टाई अप किया है और ये जो भारतीय एक्सा है ये इंश्योरेंस वगैरह देती है,
तो इसीलिए यहाँ पे जो है टाइप किया गया है, आप एयरटेल की जो ऐप वगैरह है उसके थ्रू जो है अब इंश्योरेंस वगैरह जो है ले सकते हैं, जितने भी इंश्योरेंस होती है जो इनके अंदर आती है। बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। पेमेंट बैंक जो है यहाँ पे इंडिया में स्टेब्लिश क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है, तो दोस्तों ये जो है माइग्रेंट जो लेबर होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो स्मॉल सेविंग करते हैं, या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, या फिर जिनका लो इनकम होता है, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, उनकी जो सेविंग होती है, उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, उनको ये प्रोवाइड करने के लिए, चाहे पेमेंट्स हो, रिमिटेंस हो, ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो है पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया जाता है। और इनका मेन काम जो होता है वही यहाँ पर जितने भी जो छोटे छोटे कह सकते हैं इनकम करते हैं या सेविंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए आप जो है इसमें रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में। तो ये छोटा सा एक बैंक होता है पेमेंट बैंक। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत का पहला सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहां पर उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन यहां पे है नागालैंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सोलर बेस्ड यहां पर कह सकते हैं इंडिया का पहला जो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है यहां पर शुरू किया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मी बड्डी ऐप जो है यहाँ पर जो फाइट कोरोना को फाइट करने के लिए बनाया गया था वो भी यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट पाके टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है, इसे भी आप देख सकते हैं। पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। लेकिन अगर पाके पागा अगर लगा हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तब आपको यहाँ पर आंसर देना है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और यहाँ पर है कि दापोरिजो ब्रिज जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। और ये जो है यहाँ पर जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट संचमन लिम्बो हैज पास्ड अवे, यानी कि हाल ही में जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो संचमन लिम्बो है उनका निधन हो गया, वो किस स्टेट यानी कि किस राज्य से थे। यहाँ पे ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, लद्दाख। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि संचमन लिम्बो जो है वो जो है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम से थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करता हूँ सिक्किम की, तो सिक्किम में दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी यानी कि जो यहाँ पे राजधानी है वो है दोस्तों गंगटोक। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल 4 है। फॉर्मेशन डे या फिर फॉर्मेट कब हुआ था, तो 26 मई 1975 को ये फॉर्म हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है जिसमें नेपाली, इंग्लिश, सिक्किमी भी शामिल है, और भी यहाँ पे बहुत सारी है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर रिवर यानी कि जो प्रमुख नदी है वो है यहाँ पे तीस्ता। इसके अलावा रंगीत, यहाँ पे 2 जो है प्रमुख नदी यहाँ पर मेजर रिवर पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ पे सिक्किम की जो स्टेट एनिमल है उसके बारे में, तो यहाँ पर रेड पांडा है। इसके अलावा सिक्किम के जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लड पीसेंट। इसके अलावा यहाँ के स्टेट ट्री जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्लावर जो है नोबल ऑर्किड है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बर्ड सेंचुरी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, कीतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया था। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। और अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपने डिफेंस जॉब या फिर जितनी भी चीजें हैं उसको, जितनी भी एग्जामिनेशन उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस आपको जाना होगा अन अकेडमी के ऐप पर या फिर उनकी वेबसाइट पर, और वहां पर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। याद रहे कि कोर्स परचेज करते समय आप जो है DRS10 यानी कि DRS10 लिखना बिल्कुल ना भूले। 10% का आपको जो है ऑफ मिल जाएगा
जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, आप जो है वहां पे अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। तो आज के लिए मैं यहाँ पे क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी यहाँ पे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और मैं यहाँ पे आपके लिए हर दिन जो है 7:30 बजे शाम के क्लास लेकर के आऊंगा, ताकि आपकी जो जीके सेक्शन है, यहाँ पे जो करंट अफेयर की जो सेक्शन है वो पूरी हो सके, और आप जो है किसी भी जॉब, चाहे आर्मी हो, SSC GD हो या फिर कोई सी भी जॉब हो, आप उसमें जो है 100% सफलता ले सके। क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपको यहाँ पर सफलता दिलाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और यहाँ पे हम अब जो क्लास है उसको अब एंड कर देते हैं। हम आपसे कल यहाँ पर मिल जाएंगे फिर से 7:30 बजे। तो आप हमारे साथ लाइव जरूर